सुरक्षित शहर है। और ये टिप्पणी उस समय ज्यादा कष्टदायक हो जाती है जब ये पता लगता है कि यहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला है। आए दिन नई नई वारदातें होती हैं, बजाय कानून व्यवस्था को सुधारने के एक बयान आता है महिला मुख्यमंत्री की तरफ से कि मेरी सलाह है कि रात को लड़कियां अकेले ना निकलें। अध्यक्ष जी, कल रात जो घटना घटी वो रात्रि 9:30 बजे की है, और महिला अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका पुरुष मित्र भी था। तो ना तो घटना देर रात की है और ना लड़की अकेले थी, 23 बरस की फिजियोथेरेपिस्ट महिला 9:30 बजे एक बस में बैठती है द्वारिका जाने के लिए, और अंदर जो बैठे हैं उनमें से कोई भी यात्री नहीं है। वो एक तरह का नापाक इरादा लेकर बैठे हैं, वो उस महिला के साथ छेड़खानी करते हैं, उसका पुरुष मित्र रिजिस्ट करता है, लड़ाई लड़ने की कोशिश करता है, तो उसके सिर पर रॉड्स मारते हैं, लोहे की छड़ें, और उसके बाद उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं और गैंग रेप करके उसको बस से नीचे फेंक देते हैं। कल हमारे यहां से कुछ महिलाएं, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा वहां देखने के लिए गईं, डॉक्टर ने उन्हें मिलने नहीं दिया, लेकिन बाहर उसकी दास्तान सुनाई कि लड़की वेंटिलेटर पर है, उसके इंटेस्टाइन्स पूरे डैमेज हो चुके हैं, बचेगी कि नहीं बचेगी ये कहा नहीं जा सकता। आज सुबह पीठ से आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, जघन्य कृत्य, शायद इससे ज्यादा उपयुक्त शब्द इस घटना के लिए नहीं हो सकता। लेकिन ये एक अकेली घटना नहीं है अध्यक्ष जी, आए दिन ये घटनाएं हो रही है, और इसीलिए हम लोगों ने आज प्रश्नकाल स्थगित करके इस प्रश्न को उठाना चाहा था, लेकिन चूंकि आपने कहा कि आप शून्य प्रहर में इसको उठाने देंगी, और स्वयं जब आपने कहा कि ये जघन्य कृत्य है, तो हमको लगा कि ज्यादा शांति से अगर इस मसले को उठाया जाए तो जरूरी। बहुत बार मैंने इस तरह के कृत्यों के लिए कहा है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, लोग कह देते हैं कैपिटल पनिशमेंट खत्म हो जानी चाहिए। आप मुझे बताइए, इस तरह की घटना की शिकार महिला ना जिंदा में रही और ना मरे में रही, वो एक जीवित लाश बनकर के अपना जीवन जिएगी अगर बच गई तो। अभी जीवन और मौत का संघर्ष झेल रही है, पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी, लेकिन अगर बच गई तो पूरी जिंदगी एक जिंदा लाश की तरह से गुजारेगी। क्या ऐसे लोगों को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, अभी तो सब लोग गिरफ्तार भी नहीं हुए, केवल 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन क्या कर रही है दिल्ली पुलिस, क्या कर रही है केंद्र की सरकार, क्या कर रही है गृह मंत्री, और क्या कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री? ये सलाह देकर कि लड़कियां रात को अकेले न जाएं। जो कॉल सेंटर्स में काम करती हैं महिलाएं, पेट की भूख उनको ले जाती है रात में वहां, क्योंकि वो चलते ही कॉल सेंटर्स रात में है, मध्यम वर्गीय परिवारों की लड़कियां हैं। लेकिन मैंने तो कल को कहा कि कल की वारदात तो देर रात की भी नहीं है, अकेली भी नहीं है, इससे ज्यादा वो क्या करे, रात के 9:30 बजे एक पुरुष मित्र के साथ चलती है, लेकिन उसके साथ इस तरह की घटना घटती है। अध्यक्ष जी, आप स्वयं बताइए किन शब्दों में इसकी निंदा की जाए, कोई शब्द बचता नहीं है इसकी निंदा करने के लिए। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, गृह मंत्री सदन में आए, इस पर वक्तव्य दें, क्या कार्यवाही केंद्र की सरकार इस पर कर रही है इसके बारे में बताएं, और ये पूरा सदन पुरजोर भर्त्सना करे इसकी, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके बारे में क्या कर रही है गृह मंत्री, इसके बारे में हमें आश्वासन दे। यही मुझे